Can this day get any better? Oh, my happy girlfriend's anniversary, bhool gaya. Don't panic. Haan, Uzma. Bati. नहीं उज्मा मतीन कैसे तुम्हारा एनिवर्सरी भूल सकता है। कहाँ है मतीन? उज्मा मतीन ने तो इतना प्लानिंग किया है, उसने तो इस बार क्रूज शिप बुक करवा लिया, लेकिन वो हुआ ये कि उसने इतने फूल और चॉकलेट उसमें भर दिए कि वो डूब गया। क्या? अब वो अस्पताल में। अस्पताल में मैं भी आ रही हूँ। नहीं उज्मा, तुम अस्पताल नहीं आ सकती, क्योंकि डॉक्टर कह रहे हैं जब भी तुम्हारा नाम लेते हैं ना, मतीन का दिल इतना तेज धड़कता है कि वो बेहोश होने लगता है। वो मुझसे इतना प्यार करता है। हाँ हाँ, जब उसको वेंट पे डाला था वो यूं सांस ले रहा था। हाय स्वीटी। उज्मा मैं तुम्हें क्या बताऊं, आज सुबह एड मैच सर ने मतीन से पूछा टेल मी द वैल्यू ऑफ एक्स। मतीन ने बोला सर आई डोंट नो द वैल्यू ऑफ एक्स, लेकिन मैं उज्मा की वैल्यू जानता हूँ और वो ट्रिलियंस में है। उज्मा ट्यूशन सेंटर पे तो एक लड़की ने मतीन से नंबर भी मांगा। क्या? लेकिन मतीन ने उसको बोला एक्सक्यूज मी लूजर, गेट लॉस्ट, मैं उज्मा से प्यार करता हूँ। Really? वो बाद में पता चला कि लड़की एक्चुअली ट्यूशन सेंटर में काम करती थी और मतीन ने 6 महीने तक फीस नहीं भरी थी, लेकिन फिर भी मतीन ने उसको बोला गेट लॉस्ट। अच्छा, अभी मतीन की तबीयत कैसी है? अभी तो उसके बहुत बुरे हाल है, तुम्हारी सिर्फ तस्वीर ही दिखाई थी, उसके तो ईसीजी पर भी आई लव यू उज्मा लिखा आ गया। ओए स्वीटी, मतीन मेरी जान। बेहोश होने से पहले मतीन ने तुम्हें 3 लफ्ज बोले थे। बताओ कौन से 3 लफ्ज? टेल उज्मा आई। तो दारिश उसने आगे क्या बोला? वो जुमला कंप्लीट करने से पहले बेहोश हो गया ना, लेकिन आई थिंक अच्छा ही होगा। क्या? यार तेरा दोस्त बड़ा टेढ़ा है। ये तो है। ये बताओ मैं क्या कर सकती हूँ मतीन के लिए? तुम उसका असाइनमेंट कर लो। ओके ठीक है। ओके थैंक्स।